बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कभी कभी व्लॉग। आज जी का व्लॉग मेरा छुट्टी से रिलेटेड है, क्योंकि आज हमने जो है आज अपने काम उमूमन जो खसूसी काम होते हैं वो निपटाने हैं। तो असल में सबसे पहला मेरा पहला काम तो ये है कि हमने जाना है पहले के छत पर। आज मैंने एक भाई से अपना बर्ड ऑर्डर किया था, तो आज हमारी समझे बर्ड की अनबॉक्सिंग है। वो मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है, मेरा ऊपर पड़ा हुआ है, मैं आपको चल के दिखाता भी हूँ। वो छत पे पड़ा है, अभी अभी थोड़ी देर पहले वो मुझे डिलीवर हुआ है, और उसको भाई को मैंने इजी पैसे से पैसे दे दिए थे। तो आप चल के देखते हैं बर्ड। बर्ड मैंने नेट पे ही निकाला था, उस नेट पे और अपने दोस्त भी एक जानने वाला उसके थ्रू ही वो लिया मैंने। तो अब वो परिंदा मेरे पास आ गया है, मुर्गा है, और वो वाइट कलर का है, पता नहीं कौन सी नस्ल है, लेकिन अच्छी नस्ल का। मैंने भाई से भी पूछा था, उसने बोला यार मैंने तो बच्चा लिया था, मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं किस चीज़ का, बट ये मैं भी सेल कर रहा हूँ। तो मैंने बोला भाई यार मुझे पहली बार कोई चीज़ अच्छी लगी बाहर की, तो मैंने ले लेते हैं। तो अब वो मुर्गा ऊपर पड़ा हुआ है, थोड़ी देर पहले ही डिलीवर हुआ है घर पे, भाइयों वगैरह ने डिलीवरी दी है उसकी। उन्होंने बोला मैं जॉब पे जाऊंगा सुबह, तो मैं आपको देता हुआ चला जाऊँगा। बोला ठीक है, आपको मैं इजी पैसा वगैरह कर देता हूँ, जो मसला होगा। मैं सो रहा था, भाइयों ने मुर्गा उठा के ऊपर रख दिया। तो आज का सीन है कुछ ऐसा, पहला काम तो हमारा ये है कि अभी हम छत पर जाएंगे। दूसरा काम हमारा ये है कि हो सकता है आज हमें शेरशाह जाना पड़े, शेरशाह भी जाके अपना NIC इंशाल्लाह कम्प्लीट करा लेंगे आज। क्योंकि आपका जो भाई है वो मेरे पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था, मेरे को यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए इस वक्त NIC वगैरह की बहुत ज़रूरत है। NIC वगैरह मेरा बनेगा तो मेरा काम आगे बढ़ेगा। तो बिना कोई देर करते हुए चलते हैं छत पे और अपना काम हम निपटाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो हम चलते हैं ऊपर जी। नाजरीन मैं छत पर जाते हुए, लेकिन मैं माजी अनबॉक्सिंग तो छोड़ो, अनबॉक्सिंग तो हमारे नसीब में ही नहीं है। कार्टन था और ये मुर्गा बाहर घूम रहा। माशाल्लाह हमारा नसीब ही ऐसा, लेकिन ये है कि चलो कहीं गया नहीं, ये अच्छी बात है। इसके लिए मैंने केज पहले से तैयार रखा हुआ था, ये वाले केज में इसको इंशाल्लाह मैं शिफ्ट कर दूंगा। हमारा डोडो कैसा है, आएगा बाहर? आजा, लोग साहब ज़्यादा अंदर ही बैठे। तो जी ये है कहानी टोटली। कैसे सर आप? वेलकम टू न्यू होम, वेलकम टू न्यू होम, आई सेड वेलकम टू न्यू होम। आगे हाथ में वरना उसने जितना मेरे को वहाँ पर नचाया था ना, कलर चेक कर रहे हैं आप। माशाल्लाह से दुम भी पूरी है, पट्टा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। आइए हमारे दिमाग का टाइटल है। आप कैसे हैं सर? ठीक हैं, आप ओके हैं सर? और आप कहाँ गए थे? सॉरी मैं क्या कह रहा था, आप रास्ते में कोई तकलीफ वकलीफ तो नहीं हुई आपको आने में? नहीं। ओके, या आप कैमरे को देख रहे हैं गौर से, ये पता नहीं हमारे साथ क्या हो रहा है। बाहर यार ये माशाल्लाह मुर्गा बड़ा प्यारा सा है, खूबसूरत सा भी है, और मैंने ऐसी शौक शौक में ले लिया। और मैं फड्डे करेगा अंदर जाएगा तो फड्डे हो जाएगा ठंडी ठंडी। ये मुर्गा माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन ये अभी भी माशाल्लाह इंशाल्लाह अपनी पूरी दुम निकालेगा और ज़्यादा। ये जो है ना इम्पोर्टेड नस्लों में से कह रहा था मेरा भाई, बोल रहा है मैंने इम्पोर्टेड मुर्गे के साथ इसको ब्रीड कराया। मतलब मुर्गा जो है ना वो नस्ली नहीं है, लेकिन जो उसकी क्रॉस है, जो उसका फादर था, वो बड़ा नस्ली था। इसको देखें कार्टन खा रहा है। हम तेरे हम तो अबे यार तुम पोटी कर दो जगह जगह, हम तो आपको खाना देते ही नहीं है ना कैसे हैं। वैसे तुम्हारा पेट अंदर है, इसका मतलब है तुम्हें भूख लग रही है, ऐसे ही है ना। चलो मैं तुम्हें दाना बना के दूँ, मैं इसको दाना बना के दूँ। दूसरा जो थी मस्ट काम तो अच्छा है, मेरे को लग रहा है इनकी भराई हो गई है माशाल्लाह। चलो यार इनकी भी भराई हो गई, पोर्शन भी छट डल गई है, इससे आसानी ये हो गई। अब हमारे को एक और सपोर्ट मिल गया, अब हमारी छत जो है वो थोड़ी नीचे है इनसे, लेकिन ये है कि एक और सपोर्ट मिल गया है, तो इसको भी हम कंप्लीट कर लेते, कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके बाद इंशाल्लाह मैं इसकी थोड़ी सी बाउंड्री उठा के, यानी ये जो बाउंड्री दिख रही है इससे बिल्कुल लेवल करके, यहाँ से सोलर पैनल, चारों पैनल इस तरीके से लगाऊंगा कि नीचे शेड बन जाएगा VIP वाला। अब बाकी ये है कि कन्फर्म होता चला जाएगा। तो बिना देर करें इनको देते हैं दाना पानी, क्योंकि थोड़ी देर में धूप आ जाएगी। इनके पास तो पिंजरे, मुझे भी इनके पिंजरे में घुस के रहना पड़ेगा। फिर
बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज। पहले करते हैं दाना पानी, फिर मुझे जाना असल में थोड़ा सा हॉस्पिटल। क्यों? क्योंकि यार मेरे कल लग गई थी इस वाले पैर पे, ये सूज गया, ये काम करना छोड़ दिया इसने। एक ये मसला है, मैं अपना गवर्नमेंट हॉस्पिटल है हमारे यहाँ, उसी में दिखा दूंगा, इतना कोई इशू नहीं है। तो मैं इनको पहले दाना पानी कर दूँ, इनकी खलबल भिगो दूँ, दाना पानी करने के बाद जो है वो बाकी काम देखूँगा। तो अनबॉक्सिंग करते करते यार आप ये नहीं खाओ, आप ये मत खाओ, आप ये मत खाओ, आपको मैं दाना दे रहा हूँ ना, इसको भूख लग रही है। तो हम दाना पानी कर लेते हैं पहले, इससे पहले कि एक मुर्गो खा जाए। अरे एक मुर्गा ये ना माशाल्लाह से लड़ने को तैयार है। पहले एक काम करते हैं ना, इसको उसके पिंजरे में छोड़ देते हैं। भागा 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 भागा, यहाँ आके थोड़ा ठंडा हो गया, लेकिन ठंडे मिजाज का हो गया। वहाँ पर था ना तो ये हर किसी से लड़ता था। कैसा लगा सर आपको आपका नया घर? देख रहा है इधर उधर, डर रहा है। मैं इसकी दुम पे फिदा हो गया था, इसकी दुम देखी थी ना मैंने वीडियोस में, मैं इसकी दुम पे फिदा हो गया था। अगर है कोई चाइने वाला जो इस मुर्गा को लेना चाहे तो वो ले सकता है, यानी कि मेरा मुर्गा खूबसूरत है, कलर में भी काफ़ी प्यारा है। अगर कोई है जिसको चाहिए हो मुझे कॉन्टेक्ट करे, मैं इंशाल्लाह दे दूँगा उसको, मतलब अच्छे रेटों में। इतना सख्त दिल नहीं है इसका भाई अभी कि फ्री में तो नहीं दे, नहीं दे। बहरहाल अगर किसी को चाहिए हो, किसी को मुझे चीज़ पसंद आए तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, उसको अच्छे रेटों में दूंगा। मैंने कितने की खरीदी थी? ये 3,200 रुपये दिए भाई को मैंने। हाँ 3,000 की बात हुई थी, 200 रुपये मैंने किसी वजह से दिए हैं। मैंने 3,200 का समझे परचेस करा है, मुझे पड़ा है। और लेकिन ये है कि मेरे पास कलर कॉम्बिनेशन में सबसे प्यारा मुर्गा इस वक्त तो नहीं है ये, आप है सर, मैं किसी और को नहीं बोल सकता। ठीक है, तो अब करना कुछ है ऐसा, दाना पानी करके फिर चलते हैं नीचे, टाइम ज़्यादा हो रहा है क्योंकि